श्रीराम जन्मोत्सव समिति के संरक्षक प्रेम प्रकाश पांडे ने मंगलवार को खुर्सीपार सेक्टर 11 में एक मुट्ठी दान श्रीराम के नाम अभियान के माध्यम से जन जन की सहभागिता सुनिश्चित करने जा रहे हैं। श्रीराम जन्मोत्सव समिति के संरक्षक प्रेम प्रकाश पांडे ने खुर्सीपार वार्ड 42 में एक मुट्ठी दान श्रीराम के नाम अभियान को लेकर लोगों के घर घर जाकर उनसे एक मुट्ठी दान स्वरूप अनाज एकत्र किया। श्रीराम जन्मोत्सव समिति द्वारा इस वर्ष प्रभु श्री राम जी के जन्मोत्सव रामनवमी के अवसर पर एक मुट्ठी दान श्रीराम के नाम अभियान के माध्यम से जन जन की सहभागिता सुनिश्चित करने लोगों के घरों तक जाया जा रहा है। श्री राम नवमी उत्सव के अवसर पर राम जी की सेना भिलाई के प्रत्येक घरों तक जाकर प्रभु श्री राम के प्रति भक्तजनों से उनकी आस्था एवं श्रद्धा अनुरूप एक मुट्ठी अनाज दान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। भक्तजनों से प्राप्त इस अनाज को एकत्र कर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी राम भक्तों एवं भिलाई की जनता की सहभागिता इसमें पर्व पर देखने को मिलेगी। मुट्ठी दान प्रभु श्री राम के नाम ये अभियान 38वें रामनवमी के उपलक्ष्य में राम जन्मोत्सव समिति द्वारा चलाया जा रहा है और लगभग 2,00,000 घरों तक पहुंचने का लक्ष्य है। पूरे लोगों की ये कि सब जो वहां पहुंचते हैं उनका जो वहां प्रसाद वितरण हो उसमें सबकी सहभागिता हो। भगवान राम ने भी समाज के हर वर्ग को जोड़ करके जनशक्ति का निर्माण किया था, उसी हिसाब से संपूर्ण समाज के लोगों का यहाँ पर इस रामनवमी के उपलक्ष्य में सबकी सहभागिता हो, क्योंकि आने वाले वर्ष में 550 वर्षों की जो पुरानी लड़ाई थी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, हो रहा है, वो पूर्ण होगा, उसके पूर्व की ये हमारी 38वीं रामनवमी है। इसलिए इस बार सारे लोगों को घर घर जा कर के हम लोग न्योता दे रहे हैं कि आप लोग उस कार्यक्रम में आइए और एक मुट्ठी दान प्रभु श्री राम के नाम अभियान के तहत सब जगह हमारे समिति के कार्यकर्ता जा रहे हैं। राम भगवान के मंदिर तो सब जगह है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण जो 550 साल से लड़ाई थी, अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है वो सिर्फ भगवान राम का मंदिर नहीं, वो राष्ट्र का मंदिर है, समाज के सारे देशवासियों का मंदिर है। उस भावना से जुड़ करके यहाँ तो राम मंदिर ही है, यहीं पे है अभी कुर्सी पर। रहने से न्यूज़ के लिए प्रवीण विरजे की रिपोर्ट।